नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया में अपनी धौंस जमाने वाले अमेरिका ने अब दक्षिण एशिया में दादागिरी करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर ईरान को अपने युद्ध के मैदान के लिए चुना है। तो वहीं ईरान भी अमेरिका को जवाब देने में पीछे नहीं हट रहा है और लग रहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो रूस और चाइना भी चुप नहीं बैठेंगे और इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। और देखते देखते पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी होती नजर आ रही है। और इसी बीच इसराइल सरकार में मंत्री टी हेनगबी ने कहा कि इसराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो ईरानियों को मार रहा है और मार सकता है। देश के क्षेत्रीय सहयोग मंत्री टी हेनगबी का बयान सरकारी रेडियो पर प्रसारित हुआ है। हेनगबी का यह बयान सीरिया में ईरानी और हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों पर अपने देश की तरफ से किए गए हमलों के बारे में दिया गया है। हेनगबी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब शुक्रवार को ईरान ने ब्रिटेन के झंडे वाले एक टैंकर को जब्त कर लिया और इस घटना के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। हेनगबी ने ईरान पर नौवहन की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। जब लोकल मीडिया ने हेनगबी से पूछा कि क्या ईरान के साथ टकराव की स्थिति में इसराइल को अमेरिकी समर्थन नहीं मिलने का अंदेशा है, इस पर हेनगबी ने कहा कि ईरान ऐसी किसी परिदृश्य से बचना चाहेगा। ईरानियों पर हमने 100 दफा हमला किया है और इसराइल ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो 2 साल से ईरानियों को मार रहा है। हमने सीरिया में ईरानियों पर 100 दफा हमला किया है। कुछ बार तो हम मान लेते हैं तो कुछ बार विदेशी रिपोर्टें इसका खुलासा करती हैं। वहीं एशिया मामलों के जानकारों का मानना है कि हेनगबी के इस बयान के बाद से क्षेत्र में स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ईरान इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या बयान देता है।